नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद आदिवासियों ने एक बार फिर से अपने लिए अलग धर्म कोड की मांग तेज कर दी है। आदिवासी सालों से सरना धर्म कोड लागू करने की मांग कर रहे हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने भी सरना आदिवासी धर्म कोड बिल को पास किया था, लेकिन मंजूरी के लिए ये केंद्र सरकार के पास अटका है। आदिवासियों का एक बड़ा तबका ऐसा है जो खुद को हिंदू नहीं मानता है। इनमें झारखंड के आदिवासियों की आबादी सबसे ज्यादा है। ये आदिवासी खुद को सरना धर्म का बताते हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला और क्यों लोगों ने धर्म कोड को लेकर कवायद तेज कर दी है, जाने इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद आदिवासियों ने एक बार फिर से अपने लिए अलग धर्म कोड की मांग तेज कर दी है। संविधान में अनुसूचित जनजातियों यानी आदिवासियों को हिंदू माना जाता है, लेकिन बहुत से कानून ऐसे हैं जो इन पर लागू नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि बहुविवाह, विवाह, तलाक, दत्तकता, भरण पोषण, उत्तराधिकारी जैसे तमाम प्रावधान अनुसूचित जनजाति के लोगों पर लागू नहीं है। इसकी एक वजह यह भी है कि सैकड़ों जनजातियों और उप जनजातियों की शादी, तलाक और उत्तराधिकारी को लेकर अपने अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं हैं। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में फैसला किया था कि अनुसूचित जनजाति से जुड़े लोग हिंदू धर्म मानते हैं, लेकिन ये हिंदू विवाह अधिनियम के आर्टिकल 2 के दायरे से बाहर है, लिहाजा इन्हें आईपीसी की धारा 494 के तहत दोषी नहीं माना जा सकता है। इसके तहत ही 2005 के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जनजाति के लोग अपने समुदाय के रीति रिवाजों के अनुसार शादी कर सकते हैं। सरना धर्म कोड की जनगणना रजिस्टर में धर्म का एक कॉलम होता है। इस कॉलम में अलग अलग धर्मों का अलग अलग कोड होता है, जैसे हिंदू धर्म का 1, मुस्लिम धर्म का 2, क्रिश्चियन धर्म का 3। ऐसे ही सरना धर्म के लिए अलग कोड की मांग हो रही है। अगर केंद्र सरकार सरना धर्म के लिए अलग से कोड की मांग को मान लेती है तो फिर हिंदू मुस्लिम की तरह सरना भी अलग धर्म बन जाएगा। लगातार झारखंड के आदिवासी वर्षों से अपने लिए अलग से सरना धर्म कोड लागू करने की मांग कर रहे हैं। आदिवासियों की मांग 80 के दशक से चली आ रही है। 2019 में झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार आने के बाद ये मांग और तेज हो गई। झारखंड के सोरेन सरकार ने सरना धर्म कोड बिल पास कर लिया था, लेकिन ये बिल अभी केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए अटका है। हाल ही में एक महीने पहले ही झारखंड के मुख्यमंत्री यानी कि हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर ये बात कही थी। हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा था कि हमने तो सरना धर्म कोड बिल पास कर लिया है, लेकिन केंद्र सरकार नहीं कर रही है। आपको बता दें कि पिछले साल झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा था कि 1931 में राज्य में आदिवासियों की आबादी 38.3% थी, जो 2011 में घटकर 26% पर आ गई है। इसका एक कारण ये भी है कि काम के लिए लोग दूसरे राज्यों में चले जाते हैं और वहाँ इनकी गिनती आदिवासियों में नहीं होती, इसलिए अगर इनको अलग कोड मिल जाए तो पूरी जनसंख्या की गिनती की जा सकती है। झारखंड विधानसभा में जब सरना आदिवासी धर्म कोड बिल पास हुआ था, तब सोरेन सरकार ने कहा था कि इससे आदिवासियों को पहचान मिलेगी और उनकी संस्कृति और धार्मिक आजादी की रक्षा की जा सकेगी। हालांकि इस मांग पर आगे सरकार का क्या कदम होगा, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही विस्तृत खबरों की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं।